इंसान को चश्मे पर कम निर्भर रहना पड़े और उसकी दृष्टि की गुणवत्ता बेहतर हो। नेत्र से जुड़ी इन्हीं बीमारियों के निदान के लिए ASGI हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्यूरा विजन लेजर मशीन द्वारा ट्रीटमेंट की सुविधा का शुभारंभ किया गया है। ASGI हॉस्पिटल्स के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर व्यक्ति की आंखें अलग होती हैं, इसलिए बेहतर से बेहतर नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने के लिए कॉन्ट्यूरा विजन लेसिक को लॉन्च किया गया है। राजस्थान में केवल 3 अस्पतालों में इस टेक्निक से आंखों का इलाज किया जा रहा है और जयपुर स्थित ASGI हॉस्पिटल्स भी उनमें से एक है, जहां आई पेशेंट्स के लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल ने कॉन्टूरा विजन लैसिक लॉन्च किया। ये दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लैसिक है। ये नॉर्मल लैसिक से डिफरेंट है क्योंकि ये आँखों में कस्टमाइज ट्रीटमेंट देता है। कस्टमाइज का मतलब हर आँख के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। ये सिर्फ स्पेक्टिकल फ्री हमें नहीं बनाता है, बल्कि स्पेक्टिकल से ज़्यादा विजन, मतलब नॉर्मल परफेक्ट विजन से ज़्यादा विजन, जिसको हम सुपर विजन या 6x6 से ज़्यादा कहते हैं, वो देता है। एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं और हर इंसान के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से कॉन्टूरा विजन हमारी कॉर्निया, हमारी पुतली की 22,000 पॉइंट्स को मेजर करके एक यूनिक ट्रीटमेंट प्रोफाइल जनरेट करता है, बनाता है, और इस तरीके से हम पेशेंट्स को कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं जो हर आई के लिए अलग रहता है। इस मामले में ASGI हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द 3 हॉस्पिटल्स जिसके पास कॉन्टूरा विजन लैसिक है, और हम चाहेंगे कि पेशेंट्स जयपुर और राजस्थान के इसको अवेल कर सकें। अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो इसमें कोई इंजेक्शन, कोई बैंडेज नहीं होता है। कॉन्टूरा विजन सर्जरी में आपको कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं जिससे कि आपकी आँखें सुन्न हो जाती हैं, और उसके बाद 15 से 20 मिनट में आपकी दोनों आँखों का ऑपरेशन हो जाता है। लेज़र फायर करने में इट इज़ जस्ट फ्यू सेकंड का प्रोसीजर है, ये कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। सेम डे आपको हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है और आप सेम डे भी कंफर्टेबल होते हो। थोड़ी ही देर का दर्द रहता है, उसके बाद आप कंफर्टेबल होते हो और आप अपना काम 2 से 3 दिन में वापस ज्वाइन बैक कर सकते हो।